सब एक प्रोग्राम तो बढ़ गया है। मैंने उसके ऊपर से रोटी उतारी है, सारी रोटी में। ये अब तो फर्क हो गई है। ये मतलब कि थोड़ी सही थी पर वो ख़राब हो गई मेरे से सारी। मैंने इसको फिर इस तरह करके ना, तो अब मैं इसको जाके जो है वो मुर्गियों को डाल दूंगा। यार मतलब अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप तो भैया अलहमदिल्ला एकदम ज़बरदस्त। भाई खुश आमदी देखी ली हूँ ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप लोगों को भाई जुमा मुबारक। आज है जुमे का दिन, अलहमदिल्ला। जुमा जुमा ना जुमा जुमा यार मुँह से ऐसे निकल जाता है। जुमा जो है वो हमने अलहमदिल्ला पढ़ लिया, ठीक है। और जुमा पढ़ के फिर फ्री हुआ था, खाना खाने लगा था। तो आप लोगों को मैं कह रहा था मैंने एक यार पौधा लेके आना है, तो वो अलहम्दुलिल्लाह हमारा पौधा आ चुका हुआ है। तो इसकी जो जब बेसिकली सीन ये हुआ है कि ओए यार इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, ये ख़राब हो जाएगा नहीं। तो एक ये पौधा लेके आया हूँ, ठीक है मैं, और एक ये छोटे वाला आया। दो गमले जो हैं वो हमारे आए हैं, मतलब कि लेके नहीं आया। बेसिकली हुआ ऐसा है कि सीन मैं अभी घर से बाहर निकला था, तो वहाँ से एक रक्षे वाला पौधे वाला सेल करने वाला आ रहा था। मैंने उसको रोका, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई रात, सबसे पहले तो मैंने उससे पूछा कि रात की रानी है, पौधा लगा हुआ जो जिस पर पौधा लगा फूल लगा होता है जिसमें जो रात को खुशबू फैला देता। तो उसने कहा कि है ज़रूर पर उस पर फूल नहीं लगा हुआ था। मैंने कहा मैंने उसको स्पेशल कहा कि भाई 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक तेरे पास जैसे ही वो आए फूल लगा हुआ बड़ा वाला गमला जिस तरह का ये वाला है, इस तरह का कोई गमला आए तो तूने मुझे लाजमी देना है। तो बस फिर मैंने उसको रोका हुआ था, तो मैंने कहा यार चलो अब ये तो नहीं, तो उसको रोका, उसको आस लगी है। तो फिर मैंने उससे एक ये गमला परचेस किया, ठीक है ये वाला, और एक जो है ये वाला परचेस किया। तो सीन अभी ऐसे है कि ये वाला जो गमला है ना, इसको हमने तोड़ के और इस वाले गमले में शिफ्ट कर देना, बड़े वाले गमले में। इसमें वो जो मिट्टी है वो भी इसमें डल जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद मिट्टी भी थी उस टाइम, पता नहीं मैंने कहीं जाना था तो मैंने मिट्टी नहीं उससे ली, तो मैं सोच रहा था इसमें मिट्टी भी लेके डाल लेता। बहरहाल अभी शायद मैं मिट्टी लेने चला जाऊँ थोड़ी सी, क्योंकि वो गमला इधर शिफ्ट करना है। तो ये वाला जो सीन है ना, ये जो इसमें गमला है, अब इसका मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मैं क्या करूँ, ठीक है। या तो ये निकाल दूँ, ठीक है, और वो गमला इसके अंदर लगा दूँ, तो वो बड़ा खूबसूरत इंशाल्लाह जो है ना वो बनेगा। तो ऐसा कोई सीन चलाने का जो है ना वो मैं सोच रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जो मैंने प्लान किया था कि यार एक गमला इस तरफ रखेंगे एक गमला उस तरफ रखेंगे, तो बड़ी मतलब कि प्यारी सी लुक आएगी गेज के, एक इधर एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे गमले पड़ा हुआ, ठीक है। पर सीन ये है कि यार मैं आज सुबह जब उठा हूँ ना, तो नीचे आया हूँ फजर के बाद, फजर के बाद जब मैं नीचे आया तो भाई अच्छी खासी गराज में मेरे ठंड हुई हुई थी। तो अंदर कमरे में टेम्परेचर ठीक था, बट जो इधर था ना वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल था, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको उठा के जो गेज पे है ना वो अंदर पर इस जगह पे ले जाऊँ, ताकि जो है ना वो यार ट्रैकपैड बीमार ना हो जाए, ठीक है। तो उस गेज को मैं इस, ये खाली जगह है, ये मेरा एक बड़ा गेज है ना, तो इस गेज के साथ इधर वो गेज इजीली आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का प्लान कर रहा हूँ मैं। और गमलों का जो है ना, फिर हम भला क्या करेंगे, एक गमला जो है वो मैं इस इधर कॉर्नर में रख दूँगा इस सीढ़ी के, तो ठीक है। एक मेरा मूड है वो थोड़ा सा उधर करके यहाँ करके रखने का, यहाँ पे रख दूँगा। तो ऐसा कोई सीन बन जाएगा तो ठीक रहेगा काम हमारा, ठीक हो। बट पहले गेज को अंदर ले लूँगा, उसके बाद देखूँगा गमले कहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, वहीं पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। छोटा गमला तो फालिग हो जाएगा, ये बड़ा गमला और वो वाला बड़ा गमला, ठीक है। तो ये हम दोनों सेट कर लेंगे। अभी इस तरह का गमला मैंने उससे पूछा था कि यार इस तरह का गमला तेरे पास है, उसने कहा गमला नहीं है, गमला उसके पास यही था छोटे वाला। तो बहरहाल कोई नहीं, उसको मैंने कहा तो है, अब देखो वो कितने, मुझे ये 2 दिन हुए हैं लिए को, ठीक है, वो सॉरी वो वाला 2 दिन हुए हैं लिए को। अब ये वाला जो गमला है, इस तरह का गमला आएगा तो उसको उसको शिफ्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर इसी तरह रहने दूंगा। कहा है अब रात की रानी लेके आएगा बड़े वाले गमले में, मैंने उसे कहा था लेके आनी जिस पर फूल लगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यकीन करें मुझे इतना ही पसंद है उसकी खुशबू, इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता यार। एक एंड लेवल खुशबू आती है उसकी, जब रात के कहीं से मैं गुजरूँ और वो लगा हो ना, मेरा दिल करता है कि बस यहीं पर रुक जाऊँ और इसको ना पौधे को अपने साथ ले जाऊँ।
बड़ा एंड लेवल मुझे उसकी वो अच्छी लगती है। तो अभी फिर मैं खाना खाने लगा था, मैंने कहा यार ब्लॉग तो कर लिया जाए क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ब्लॉग कर रहे थे, तो अभी खाना खा लेते हैं, ऊपर मुर्गियों के पास भी जाना है, उनको कुछ सामान सामान डालना है, तो पहले ऊपर चलते हैं। भाई अभी का सीन ये है कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, ठीक है, आज है सैटरडे और अभी तकरीबन जो टाइम हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई ये देखें टाइम हुआ है 11 बजने में, तकरीबन 20 मिनट बाकी हैं, ठीक है। तो अम्मी जो है नमाज पढ़ के सो गई थी, तो अपनी अम्मी सोई नहीं है, ठीक है, अम्मी सोई हुई हैं, तो अम्मी ने ना भाई को नाश्ता बना के दिया था पराठे का, तो अम्मी ने ये पेड़े किए हुए हैं। अभी मेरा बोला क्या मूड हो रहा है कि इनमें से एक पेड़ा उठाऊँ और जो है ना वो पराठा खुद ही बना लूँ, तो ट्राई करते हैं देखते हैं कैसा बनता है। तो आज हम भाई पराठा बना लेंगे अपने नाश्ते के लिए, पेड़ा करना सबसे मुश्किल काम होता है, तो वो पेड़े हुए हैं, तो इसमें से एक पेड़ा लेते हैं और जो है ना वो पराठा बनाते हैं। अभी गैस भी नहीं आ रही, मज़े की बात यह है कि गैस नहीं आ रही, तो सिलेंडर यहाँ पे हमने मतलब कि एमरजेंसी के लिए रखा हुआ, नाश्ता नुश्ता बना के हम यहाँ पे कर लेते हैं जब गैस नहीं आ रही होती। तो तवा मैंने रख दिया, तवा गर्म हो रहा है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे अंदर किचन में तो होना नहीं, यहाँ पे पेड़ा बेल दें, ठीक है, तो यहाँ पे रोटी बनाते हैं। हाथ से तो बननी नहीं हमसे, इस इधर फिर भी थोड़ी बहुत बननी, पहले इसको थोड़ा सा खुश्क डालते हैं, शायद शायद खुश्क डालते हैं, चलो ट्राई करते हैं। अब यहाँ से पेड़ा ले लेते हैं, बिस्मिल्लाह या अल्लाह खैर करें। ये आज एक नया एक्सपीरियंस, मैंने कहा मम्मी को उठाना नहीं है, मम्मी सो रही है तो उनको सोने देता, खुद ही बना के ट्राई करता हूँ कैसा बनता है। चलो जी ज़रा इसको बेल के फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नहीं चकने वेले पे रोटी मैंने बेल लिया, मुझे ये नहीं समझ आई ये टेढ़ी क्यों हुई है ऐसे, चलो मम्मी वीडियो देखेंगे तो बताएंगे ये क्यों हुई है, या कोई और वीडियो देखेगा वो भी बता देगा कि भाई ये इस वजह से किया आपने टेढ़ी। मुझे अच्छा यार ये अब उतार के तवे पता नहीं कैसे डालनी है, चलो पहले तवे पर थोड़ा घी तो डालूँ ताकि तवे के साथ ना लग जाए रोटी। नहीं तवे पे मैंने घी लगा दिया, अब डालने की बारी आती है रोटी, ठीक है, अब रोटी डालते हैं। वैसे नाश्ते में अंडा ब्रेड भी पड़ी हुई थी, अंडे भी पड़े हुए थे, रस भी पड़े हुए थे, पर मेरा दिल कर रहा था पराठा खाने को पेड़े देख के, मैंने कहा यार खुद ही बना लेता हूँ, बस अभी ये अल्लाह करे कि ये सही सलामत उठ के तवे पे चले जाए, चलो ट्राई करते हैं। चाय मैंने पहले ही बना ली हुई है, सब एक प्रोग्राम तो बढ़ गया है मैंने उसके ऊपर से रोटी उतारी है, सारी रोटी ये अब तो फर्क हो गई है, ये मतलब कि थोड़ी सही थी पर वो ख़राब हो गई मेरे से सारी, मैंने इसको फिर इस तरह करके ना, तो अब मैं इसको जाके जो है वो मुर्गियों को डाल दूँगा यार मतलब कि नहीं कामयाब हो पाए हम, दोबारा ट्राई करते हैं। अभी तीन पेड़े हैं, अम्मी ने बोलना है अगर मैंने वो एक और ज़ाया कर दिया पेड़ा, मुझे लगता है जहाँ पे मैंने मिस्टेक किया ना शायद इस दफ़ा मैं मिस्टेक ना करूँ शायद, क्योंकि मैंने चकने बेटे पर पूरी रोटी मतलब कि वो कर दी थी, उसके बाद उसको उतारना मुश्किल हो गया, वो उतारी है तो फिर वो सारी टूट गई मेरे से, अब दोबारा मुझे लगता है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या बना दिया यार मैंने। भाई साहब इस दफ़ा थोड़ा कमाल हो गया यार, वो इस दफ़ा मैंने रोटी हाथ पे बना ली है, वो हाथ पे बनाई है सदा सही रहा है यार, चिकने बेले पे से नहीं था, क्या कहते हैं उसको, क्या बात है यार, बंदे को बनानी आनी चाहिए वैसे, थोड़ा सा चूल्हा तेज कर लेंगे जिसे ताकि ये ना रोटी तो चकने वेले पे आ गई है, चूल्हा हल्का था मेरे ख्याल से, चलो चिमटा की तरह चिमटा चल घी भाई नीचे चला जा, ओए थोड़ा सा तो अकड़ भाई, हम्म
ये क्यों खराब हो रहा है यहाँ से। यार चिमटा भी दूसरा वाला नहीं पकड़ा हुआ मैंने, क्या कसम से। थोड़ी थोड़ी ला ली, वो तेरा कोला, ये क्या इतनी सख्त क्यों हो गई है। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसी बनी है। इस तरह तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा। एक हाथ से वीडियो, एक हाथ से पराठा, वाह क्या बात है। ठीक है ये मैं बनाता हूँ सब। रोजी अंदर अम्मी उठ गई, अम्मी कह रही खैर से नहीं आई। मैंने कहा नहीं आई तो पेशे खिदमत है हमारा पराठा। यार पराठा ये पराठा तो मुझे लगता है वो पत्थर बने हैं। ये देखो बहुत हार्ड है, और तेरा पुला है ओला तो यही क्या बन यार ट्राई करें, पता नहीं कैसा बना। बिस्मिल्लाह। ये तो पापड़ बन गया क्रिस्पी क्रिस्पी। ओए होए होए, मम्मी ने ये वीडियो देखनी है ना, मैंने बस छोड़ ही दो। मैं सोच रहा हूँ अंडा बना लूँ या अचार के साथ खा लूँ। अचार के साथ खाता हूँ, अंडे के साथ नहीं मज़ा आएगा। लो जी अंदर ना अम्मी उठ गई हैं, तो अम्मी को दिखाता हूँ उनको। कहता हूँ मैंने एक पेड़ा आपका पहले ख़राब किया, दूसरा पेड़ा भी ख़राब होने लगा था, पर उसकी बचत हो गई है, रोटी बन गई है। पेशे खिदमत है अचार पराठा। हाय हाय, वैसे कसम ले लो भाई अपने हाथ से बना के ना खाने का जो मज़ा है ना, ओए होए होए, मैं कहता हूँ लेवल। चाय ठंडी हो गई है यार, चाय गर्म करता हूँ। बड़ा क्रिस्पी बना है, मम्मी को दिखाता हूँ जाके। अभी मारी मेरे साथ बातें आ रही थी, अभी कंबल लेके लेटी हुई है, तो मैंने यहाँ तो फिर आम खा के सो गई है। कोई नहीं, वीडियो में खुद ही देख लेंगे। और वीडियो हाँ मैं चाय तो नहीं कर रहा था, थोड़ी सी चाय भी लगा क्योंकि कम हो। पहले वाला पराठा ये तो मेरी मुर्गियाँ शौक से खाएंगी, दस्ती ऐसे ऐसे। बस ठीक है, इतनी गर्म बहुत है। चलो जी आप अपना नाश्ता कर लेते हैं। इधर से जा सकता है नागा, तो खाने का भी मज़ा ले लिया जाए। बना तो लिया हमने, पापड़े
देखने में आसान लगता है, बहुत काम बहुत मुश्किल है यार। रोज़ जो पराठा हमने ख़राब किया था वो मैं डालने आ गया। ये देखना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 1 2 1 1 2 1। अभी इन्होंने खा जा ना, माशाल्लाह। हो गई। अभी मैं अंडे देख लूँ, अंडा तो नहीं कोई दिया हुआ, क्योंकि अंडे का टाइम हो गया है। अभी तक कोई अंडा नहीं आया हमारा। कोई बात नहीं, मैंने नाश्ता पराठा किया है। हैं, पराठा कहाँ से आया? खुद ही बनाया मैंने। बस फिर एक ही और बंदा खा सकता है, दो पेड़े तो मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं। हैं, नहीं मछली के साथ नहीं, अचार के साथ था। एक पेड़ा पहले ट्राई किया मैंने, वो खराब हो गया। दूसरा फिर मैंने बना के खा लिया। पेड़े बने हुए थे पर वो फिर भी पेड़ा एक खराब हो गया मेरे से। अब एक बंदा ही पराठा और खा सकता है। खराब पेड़ा जैसे आप मुर्गियों के लिए बना के डाल देती हैं, वो मैंने ऊपर डाल दिया उन्हें। बस गैस आने वाली है, 5 मिनट रह गए हैं। जो जी जब मम्मी ने वीडियो देखनी है ना, साथ जी जो शुगर लग रहा है, जो मज़ा आना है वो मज़ा आना है। अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि मैंने पूरा व्लॉग बना छोड़ा है इसके ऊपर। और अभी मम्मी से बात कर रहा था, मैं अंदर नहीं जा रहा था कि मम्मी को पता लग जाना कि मैंने क्या किया। अरे यार, वैसे कमाल एक्सपीरियंस है, कमाल, मज़ा आ गया। अरे अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ इशा की, तो अभी ना जब मैं गेज अंदर करने लगा था, यहाँ पे गेज की सेटिंग करनी है मैंने, ठीक है, इस जगह पे। तो ये थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आ जाएगा मेरे ख्याल से। ये मेरा बड़ा गेज है, एक बाहर बड़ा गेज है, बाकी ये सारे इधर अपनी अपनी जगह पे ही रहेंगे। ठीक हो गया, तो अभी अंदर लेके आते हैं, फिर बाहर जो गमलों की सेटिंग है वो देख लेंगे, गमलों की ज़रा सेटिंग कर देंगे। अभी फिलहाल जो मेन चीज़ है ना वो यार इनको अंदर लेके जाना है। यहाँ पर सर्दी, सुबह भी सर्दी थी, ये ना ना हो, मैं बस आलस के मारे जो है ना वो अपने बर्ड्स जो है वो बीमार कर बैठूँ। तो फिर मैं अंदर करता हूँ ज़रा, अकेले को करना पड़ेगा, कोई साथ नहीं है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये जी इस तरह की कुछ सेटिंग कर ली है मैंने अब। तो ये दो मेरे बड़े गेज आ गए, ये तीन छोटे और ये तीन ऊपर छोटे, ठीक हो गया। और जो है ना ये सेटिंग मेरे ख्याल से बेहतर है कुछ। थोड़ा सा गेज ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर, और वो थोड़ा सा इधर हो जाएगा, तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा काम। और गमला जो है वो मैंने अपने जो है वो दरवाजे के पास सेट कर दिया, मतलब कि ये इसको यहीं पे, यहाँ पे सेट कर रहा था तो सीढ़ियों का मसला आ रहा था, यहाँ सेट कर रहा था तो मेरा पत्ते ख़राब हो रहे थे, फिर मैंने वहाँ पर सेट कर दिया थोड़ा पत्ता यहाँ पर, उसको ऊपर वो पत्तों के साथ मिला दिया, ठीक है। बाकी रही इस गमले की बात, इसको जो है वो छोटे वाले के साथ रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद जो है ना इसकी मिट्टी का देखने, इसकी मिट्टी सही करनी है, उसके बाद ये भी ओके हो जाएगा गमला। ये गमला फिर हम देखेंगे कि हमने किधर एडजस्ट करना है, फिलहाल इसको सेटिंग करेंगे। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं पे कर रहा हूँ। मैं ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मस्त करें लाइक, जो भी चैनल पर नया लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फॉरन मिलता रहे। सॉरी माजर के साथ भाई, ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, बट एज यूजुअल कोशिश पूरी है कि जल्दी आता रहे। तो अपना ख्याल रखें भाई, तो लाजमी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।